हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हो किंग इंडियन चैनल। तो जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा कि छोटी छोटी सी चीज़ें कैसे खुशियां दे जाती है, आज का भी वीडियो एक छोटी सी चीज़ के लिए है। लेकिन उस चीज़ के लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, क्वेरीज आई थी कि मैं उस चीज़ को लेके आऊँ सामने जो कि मार्केट के अंदर नहीं है। वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सब लोग परेशान होते हैं, जो लोग राइडर्स हैं, जिन लोगों को एक्सेसरीज लगाने का शौक है। तो आओ चलो उसको देखते हैं। तो दोस्तों, अनबॉक्स करने के लिए मेरे पास है एक छोटा सा टूल जो मैंने अभी अभी मंगाया है, और ये टूल है बहुत ही अच्छा। बचपन में मेरा बहुत शौक था इसको ऐसे करके चलाना, अब मेरे को दोबारा से मिल गया तो मैंने मंगा लिया। तो दोस्तों, इसमें अनबॉक्स करने वाला कुछ भी नहीं है। ये थैली मैंने इसलिए चढ़ा रखी है क्योंकि मुझे इसको इस चाकू से खोलना है और ये दिखाना था, ये वाली ट्रिक। इसलिए अब चलो इसको फाड़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इससे पहले ये कहाँ लगेगा और ये क्या चीज़ है वो देखते हैं। अरे दोस्तों, होता क्या है, जो शौकीन लोग हैं जैसे मेरे जैसे आप जैसे, हम लोग क्या करते हैं, लाइट लगवा लेते हैं, इंडिकेटर लगवा लेते हैं और फॉग लैंप्स लगवा लेते हैं। तो उसके अंदर हम ये वाले स्विचेस यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते। कंपनी इनको मना करती है क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत बेकार होती है, ये कभी भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए आज मेरे पास एक बहुत अच्छी सी चीज़ है, वो मैं दिखाता हूँ, जो मार्केट के अंदर नहीं है और मार्केट वाले उसको मंगाएंगे भी नहीं, क्यों, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। दूसरी बात, जब हम अपना स्टोर खोलेंगे ऑनलाइन, तब मैं उसमें ऐसी यूनिक चीज़ रखूंगा जिसको देख के और यूज़ करके लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, प्रोडक्ट दिखाने से पहले और बताने से पहले कि ये क्या है, एक बारी मैं इसको फिर से चला के दिखाऊंगा। ये देखो, इसको चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और अगर ये किसी को चाहिए तो ले लेना, 400 रुपये समथिंग का है। फ्लिपकार्ट में मैं बता दूंगा कौन सा लिंक से मैंने इसको मंगाया था। ओके, तो देखते हैं कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो है मेटल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटल लग रहा है। और कंपनी बोल रही है कि 100% वाटरप्रूफ है, क्योंकि भाई बाइक में लगाओगे और ओपन ही रहेगा हमेशा, तो फिर वाटरप्रूफ ही रहेगा। इसमें क्या फीचर है मैं बताता हूँ। ये जो रिंग देख रहे हो, ये रिंग ना लाइट जलती है इसके अंदर, इसमें ब्लू, इसमें ग्रीन, इसमें ऑरेंज, तो आपको पता होता है कि कौन सा बटन किसका है। रात को भी आप ये बटन दबा सकते हो। इसके अंदर मैं बता दूं, जैसे आपने अगर हेडलाइट लगा रखी है, आपने अगर फॉग लाइट लगवा रखी है, तो उन दोनों के स्विच इसके अंदर आ जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा हॉर्न लगवा रखा है, जैसे कि दिल्ली के बाहर तो बड़े हॉर्न्स भी जो लोग लगा के चलते हैं उनका भी चलान होता है। तो क्या होता है, आपके हॉर्न के स्विच में वो वाला हॉर्न, आपका नॉर्मल वाला हॉर्न ही बजेगा, जो हॉर्न वाला स्विच है लेफ्ट में, और इस वाले स्विच से आप दूसरा बड़ा हॉर्न लगा सकते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये है सिंगल एक्शन बटन, ठीक है, ये एक बार ही अंदर प्रेस होता है और ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इसकी लाइट जलेगी इसके रिंग में। अब ये जो है, ये है फ्री एक्शन बटन, ये हॉर्न के लिए या फिर सेल्फ के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सेल्फ का बटन ख़राब है तो ये भी यूज़ में आ सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको कि हमें ऑन करके नहीं रखना, सिर्फ कुछ ही देर के लिए ऑन करना, उसके लिए हम ये वाला बटन को यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो, जैसे ये स्विच है, ये इसमें हैंडल की ये जगह दे रखी है, अब हम इसको कहाँ लगाएंगे, या तो इधर लगाएंगे या फिर इधर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ख्याल आ रहा था, क्यों ना मैं इसको सेंटर में किसी जुगाड़ से लगाऊं। कल मैं देखता हूं कि वो जुगाड़ बना पाते हैं हम लोग या फिर नहीं बना पाते। सेंटर में कुछ है नहीं लगाने वाला, इसको घिसना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, थोड़ी सी ज़्यादा जुगाड़बाजी है और थोड़ा बुरा भी दिखेगा, फिर इसकी तारे हो सकता है कि ऐसे करके साइड से मैं लेके चला जाऊं, बट मैं लगाना इसको सेंटर में चाहता था। लेकिन अगर ये नहीं लगा तो मैं इसको राइट या लेफ्ट में लगाऊंगा, ये दोनों स्विचेस और बीच वाला स्विचेस निकाल के, फिर देखते हैं कि ये कैसा काम करता है और ये यूजफुल है या फिर नहीं। दोस्तों देखो, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, ये एक बाहर की साइट है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, देख लेना, अपने हिसाब से समझ आए तो ही मंगाना। मेरे को ये ब्लेम मत करना कि आपने अपने वीडियो के अंदर बताया था हमने मंगा लिया, हमारा प्रोडक्ट आया नहीं, इंडिया में आता है, इंपोर्ट होता है, टाइम लगता है, तो पेशेंस रखने पड़ते हैं ऐसी साइट से सामान मंगाने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे ऑर्डर कर रहा हूँ एक साथ, और अजीब अजीब यूनिक चीज़ें लेके आ रहा हूँ, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है अगर आ गई वो मेरे पास सही सलामत। तो इन साइट्स में क्या होता है कि पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी। तो चलो, बातें बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और ये लगेगा कैसे। तो अब इसका लगने वाला वीडियो देखते हैं। दोस्तों, इस फिटिंग के अंदर कुछ बताने या समझाने लायक है नहीं, वो आप देख के ही समझ सकते हो, इसलिए मैं विदाउट कमेंट्री इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ, आप देखो और समझ लो। क्योंकि स्विच एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, वायर्स होती हैं, आपको कनेक्ट करना होता है और वो स्विच लग जाता है, बट देख के मज़ा आएगा और लास्ट तक देखना।
ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि ये रात को कैसा दिखता है। ये है मेरा बाइक का कंसोल, मैं कर रहा हूँ इस वक्त अपना इग्निशन ऑन। तो ये देखना, ये देखो कुछ ऐसा सा आपको तीन यहाँ पे ये स्विचेस मिलते हैं, कलरफुल लाइट जल रही है और अच्छा भी लगता है। अब आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये दोनों सिंगल एक्शन है और ये फ्री एक्शन वाला स्विच है, जैसे हॉर्न में होता है ना वैसा। इसके अंदर मैंने अपने इंडिकेटर्स लगवा लिए हैं और इसमें फॉग लैंप्स मैं लगवाऊंगा। अभी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि वो वायरिंग जोड़ेगा वायरिंग काटेगा, तो मैंने कहा तो छोड़ दे, मैं एक फिर कभी लगवा लूँगा। तो इसके अंदर मैंने अपने इंडिकेटर्स लगवाए हैं क्योंकि ये भी येलो है और इंडिकेटर्स भी येलो होते हैं, तो थोड़ा सा मैच हो जाएगा। इसके अंदर मैं कुछ देखूँगा, कुछ और लगवाने की कोशिश करूँगा इन फ्यूचर। और ये वाले में मैं लगवाऊंगा अपने फॉग लैंप्स बहुत ही जल्दी, जैसे ही टाइम मिलता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, और अगर आप पुराने हो तो लाइक और कमेंट के बिना तो जाना मत। ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा, आप लाइक वीडियो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।